गदर 2 के ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स मुझे दिखे हैं जो पूरी तरह किसी न किसी मूवी से कॉपी किए हुए लगते हैं, और लास्ट वाले सीन के बारे में जानकर तो आपको पक्का बिलीव हो जाएगा कि गदर 2 पूरी तरह कॉपीड है। नंबर 1 पर गदर 2 में तारा सिंह यानी सन्नी पाजी जिस तरह बड़ा हथौड़ा लिए घूमते हैं पाकिस्तानी आर्मी को अपने हथौड़े से लोहे की तरह पीटते हैं, ऐसा ही सीन पहले भी KGF मूवी में आपने देखा होगा, जिसमें रॉकी भाई KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में सेम ऐसे ही बड़े हथौड़े से दुश्मनों को मारते हैं। जैसा हथौड़ा KGF 1 में था वैसा ही KGF 2 में था, और वैसा ही हथौड़ा अब सन्नी पाजी गदर 2 में ले आए हैं। और जैसे रॉकी भाई बड़े हथौड़े से दुश्मनों को ठोकते हैं, उसी तरह सन्नी पाजी भी पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते हैं। वहीं रॉकी भाई और सन्नी पाजी के हथौड़े के साथ इस पोज को देखिए जो बिल्कुल एज इट इज लग रहा है। नंबर 2 पर बात करें तो गदर 2 में मुझे थोड़ा थोड़ा बागी 3 मूवी जैसा फील आया है। बागी 3 में रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई को बचाने सीरिया जाता है और अकेला ही वहाँ के टेररिस्ट से भिड़ जाता है। ठीक वैसे ही गदर 2 में तारा सिंह अपने बेटे को बचाने पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान की आर्मी से भिड़ जाता है। बागी 3 में जैसे बड़े बड़े टैंकर्स दिखते हैं वैसे ही गदर 2 में भी दिखे हैं। रॉनी को जैसे वन मैन आर्मी के बराबर दिखाया जाता है, तारा सिंह को भी सेम वन मैन आर्मी दिखाया जाता है। बाकी ब्लास्ट फाइट हेलीकॉप्टर सब कुछ उसी तरह दिखता है, बट गदर 2 काफी अलग टाइप की मूवी है इसलिए इसे थोड़ा अलग वे में दिखाया गया है। नंबर 3 पर बात करें तो 2001 में गदर 1 में तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ देते हैं और सैकड़ों पाकिस्तानियों को हैंडपंप से धोते हैं। ठीक इसी तरह अब गदर 2 के ट्रेलर के एंड में तारा सिंह हैंडपंप को देखते हैं और ट्रेलर का एंड हो जाता है। मतलब साफ है कि हैंडपंप वाला सीन गदर 2 में रिक्रिएट किया गया है, और गदर 1 की तरह ही अब तारा सिंह गदर 2 में भी हैंडपंप उखाड़ने वाले हैं और एक बार फिर पाकिस्तानियों को धोने वाले हैं। नंबर 4 पर बात करें तो कुछ लीक्स और शूटिंग वीडियो से ये पता चला है कि तारा सिंह का बेटा आखिर पाकिस्तान क्यों जाता है और क्यों पाकिस्तानी आर्मी जनरल हामिद इकबाल और पाकिस्तानी आर्मी जीते को मारते हैं और पाकिस्तान में बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ कुछ स्टोरी गदर 1 की तरह ही होने वाली है। और जिस तरह गदर 1 में सकीना के लिए तारा सिंह सकीना के फादर मेयर अशरफ अली और पूरे पाकिस्तान से लड़ते हैं, ठीक इसी तरह तारा सिंह का बेटा भी गदर 2 में मुस्कान नाम की एक पाकिस्तानी लड़की के चक्कर में पाकिस्तान में फाइट करते दिखेंगे। गदर 2 की स्टार कास्ट में ये क्लियरली मेंशन भी है कि एक्ट्रेस सिमरत कौर जो मुस्कान का रोल प्ले कर रही है वो चरणजीत उर्फ जीते का लव होने वाली है। वहीं एक और बड़ा अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं कि मनीष वाधवा जो आर्मी जनरल हामिद इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं वो मुस्कान के फादर हो सकते हैं, जो अपनी बेटी के लिए तारा सिंह और जीते के अपोजिट दिखाई देंगे, जो अमरीश पुरी की तरह ही गदर 2 में एक लार्ज कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। वहीं और भी बहुत सी सिमिलैरिटीज गदर 2 में देखने को मिलने वाली है। गदर 1 में तारा सिंह सकीना को बचाकर इंडिया लाता है और उसके लिए फाइट करता है, वहीं गदर 2 में तारा सिंह अपने बेटे जीते के लिए यही सब करते दिखने वाला है। वहीं गदर 2 का ट्रेलर देखकर आपको गदर 1 वाली वाइब्स तो जरूर आई होगी, उसी तरह का इंडिया पाकिस्तान वॉर का माहौल गदर 2 में देखने को मिलने वाला है। और जिस लोकेशन पर गदर का फाइट सीन शूट हुआ था, जहां तारा सिंह फेमस डायलॉग बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ये सीन लखनऊ की ला मार्टिन कॉलेज में शूट हुआ था। उसी ला मार्टिन कॉलेज में अब गदर 2 की भी शूटिंग हुई है, जिसे पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया गया है, जहां भी सेम गदर 1 की तरह ही तारा सिंह आर्मी से लड़ते और हैंडपंप उखाड़ते दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गदर 2 मूवी पूरी तरह कॉपी पेस्ट होने वाली है, इसे हम गदर 1 से इंस्पायर्ड भी मान सकते हैं, क्योंकि गदर 2 एक न्यू एंड फ्रेश मूवी होने वाली है जो गदर 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें बहुत से नए और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होने वाले हैं। वहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर का माहौल, न्यू जनरेशन की आर्मी फाइट, सन्नी पाजी के साथ उत्कर्ष शर्मा की केमिस्ट्री और एक न्यू एंड फ्रेश स्टोरी और सन्नी पाजी की जबरदस्त एक्टिंग के साथ पाकिस्तान में इंडिया के झंडे गाड़ने वाले सीन्स, इन्हें थिएटर्स में देखना काफी अमेजिंग होने वाला है। तो आप गदर 2 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।